बेटा कैसे ये अपहरण हुआ, क्या मामला था पूरा? ये हम जब अपने घर के पास जा रही थी स्टेडियम से, तब हमें अपने घर के 50 मीटर दूर ट्रांसफार्मर रखा है वहाँ पे इन लोगों ने रोक लिया, तो इनने कहा था कि प्रखर बुला रहा है तुम्हें, तो हमने कहा हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो इन लोगों ने कट्ट दिखा के हमें ज़बरदस्ती ले गए मारपीट के। फिर जब हम उधर गए तो ये लोग, इन लोगों ने मेरे आँखों पर पट्टी वट्टी लगा दी थी, तो हम कुछ देख ना पाए। फिर जब हमें वहाँ पर ले जाया गया, तब एक घर पे ले जाया गया था, तो वहाँ पे हमें नीचे रखा गया था और कोई पराठे लेके आया था वहाँ पे खाने के लिए। फिर वहाँ में हमें टेप लगा दिया गया था मुंह पे और पीछे से हाथ बांध दिए गए थे और हमें कमरे में बंद कर दिया गया था। फिर उसी के 2-3 घंटे बाद हमें आके उन लोगों ने निकाला वहाँ से, और हमें बगल में कोई प्लॉट था सुनसान था, हमें वहाँ पे ले गए। फिर वहाँ पे हम पूरी रात रुके और अगले दिन की रात में पुलिस वाले जाने कहाँ से आए और हमें वहाँ से बचा लिया, एकदम टाइम पे आई। और मैं वहाँ पे बहुत घबरा गया था, किसी से बात नहीं कर रहा था, तब उन्होंने पुलिस को बुला दिया था। ये अपहरण करने वाला प्रखर कौन है, कैसे जानते हो उसे? इसका कब से आना है ना आपके घर पे? इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ हमारे यहाँ काम करवाया था और धीरे धीरे ये मतलब हमारे घर पे रिलेशन थोड़ा बहुत बना चुके थे। पापा पापा के पैर छूते थे तो थोड़ा बहुत बोलने लगे थे तभी से। 6 तारीख की शाम को SDO साहब का लड़का जब घर नहीं आया तो उनको लगा कि मेरा लड़का घर क्यों नहीं आया, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और हम लोगों ने तभी से तलाश शुरू कर दी थी। नेक्स्ट डे एक क्रिमिनल जो पहले से भी किडनैपिंग के लिए मशहूर रहा है उस पर हम लोगों का संदेह गया, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद ये पता चला कि लड़का यहाँ पे रखा हुआ है, फिर हमारी पुलिस जाकर के वहाँ से उस लड़के को बरामद किया गया। 2 रात रखा था उन लोगों ने, उन लोगों की मंशा ये थी कि हम ब्लैकमेल करके पहले उनके पेरेंट्स से पैसा मांगेंगे और 50,000, जैसा ये बता रहे हैं कि हम 50,000 मांगने वाले थे। इस तरह से हमारी पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया और लड़के को बरामद किया। हमारे हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके पास से 4 कट्टे भी मिले, उनकी मंशा कुछ और थी। अच्छा हुआ हम लोगों ने बहुत जल्दी तत्परता से लड़के को बरामद किया और इन सभी को गिरफ्तार किया।